बच्चों, आपने वो स्प्रिंग वाली कार देखी है जिससे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं? जब हम उस कार को पीछे की ओर खींचते हैं तो वो आगे की ओर बढ़ती है। उस कार में स्प्रिंग लगा होता है। जब हम उसको पीछे की ओर खींचते हैं तो वो स्प्रिंग ऐंठ जाती है, और जैसे ही उसको हम छोड़ते हैं तो वो कार आगे की ओर बढ़ती है, क्योंकि स्प्रिंग जो ऐंठी हुई रहती है वापस अपनी अवस्था में आने का प्रयास करती है, और इसीलिए वो कार आगे की ओर बढ़ती है और कुछ दूर जाकर रुक जाती है। यदि हम स्प्रिंग में एक बॉल रखें और स्प्रिंग को जोर से दबाएं, उसके बाद स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो उस पर रखी बॉल उचक जाती है, क्योंकि जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसके विन्यास में परिवर्तन करते हैं, या यूं कहें कि उस स्प्रिंग की स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं, और उसके बाद उस पर रखी बॉल को देखें तो वो अपने आप उचक जाती है। मतलब स्प्रिंग को जब हमने दबाया तो उसमें ऊर्जा आ गई और उसी के कारण वो बॉल भी उचक गई, मतलब बॉल को फेंकने का काम किया उसने। आप कभी आम के बगीचे में जाते हैं, ढेर सारे आम पेड़ों पर लगे हैं, उसको तोड़ने के लिए हम गुलेल का इस्तेमाल करते हैं। वो गुलेल जो लकड़ी का बना होता है, वी शेप की आकृति होती है जिसमें एक हत्ता होता है, और हम उसको पकड़ के उसमें लगे रबर को खींचते हैं, उसमें पत्थर लगाते हैं, और जब उस रबर को छोड़ते हैं तो पत्थर ऊपर की ओर जाता है और जहाँ आम फले हैं वहाँ पर लगता है, और इसकी सहायता से आप आम को तोड़ सकते हैं। तो वो गुलेल में रबर को खींचने पर, मतलब रबर की स्थिति में परिवर्तन किए हम, उसके विन्यास में परिवर्तन किए, उसके कारण उस पत्थर के फेंकाने का काम हुआ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब किसी वस्तु के विन्यास में परिवर्तन करते हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, उस समय भी कार्य होता है। और किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है, उस ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। बच्चों, आपने झरने को देखा है? झरने में पानी एक ऊंचाई से नीचे की ओर आता है, और आप देखे होंगे कि झरना जितना ही ऊंचा होता है आप उसके नीचे आसानी से खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा वेग होता है जिसके कारण आप उस पानी को एंजॉय नहीं कर पाते, आपको उसका बल के उसके बल का प्रभाव महसूस होता है। लेकिन झरना कम ऊंचाई पर हो तो उसमें आप आसानी से उसका मजा लेने पहुंच जाते हैं। तो जब इस पानी को हम ऊपर ले जा रहे हैं, ये वो पानी जो ऊपर में स्थित है उसमें भी एक ऊर्जा है, उसी के कारण तो काम हो रहा है। इसका मतलब जब वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन पृथ्वी की सतह के सापेक्ष भी किया जाए तो उसमें भी ऊर्जा आ जाती है, और इसी ऊर्जा को हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। वैसे हम जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, यानी स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, तो हम जनरली पृथ्वी की सतह से उसकी ऊंचाई को ही नोट करते हैं, या पृथ्वी की सतह से उसकी ऊंचाई के संदर्भ में ही बात करते हैं। लेकिन हमने देखा कि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई और किसी वस्तु में विन्यास, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण भी हो सकती है। तो जब हम पर्टिकुलरली पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसे हम एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, इसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र निकालते हैं, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। अब किसी वस्तु को आप जमीन की सतह से उठाकर ऊपर ले जा रहे हैं, यानी आपको उतना बल लगाना है जितना उसका भार हो, और उसके विपरीत दिशा में लगाना है, क्योंकि भार हमेशा पृथ्वी की सतह की ओर ही काम करता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर ही काम करता है, और इसको आपको ऊपर उठाना है तो उतना बल न्यूनतम लगाना होगा जितना कि उसका भार है, और उसके विपरीत दिशा में लगाना होगा। तो जब यहाँ पर आप उसको ऊपर उठाने का कार्य कर रहे हैं तो बल बराबर हो जाएगा एम जी, यानी कि जितना उसका भार है उतना न्यूनतम बल तो आपको लगाना ही होगा। आप उसको ऊपर ले जा रहे हैं तो यहाँ वस्तु का विस्थापन उसके द्वारा पहुँची गई ऊंचाई ही होगी, इसलिए हम विस्थापन की जगह एच लिखेंगे। तो यह W बराबर हो जाएगा एम जी एच, और यह कार्य ही उस वस्तु में उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होगा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है एम जी एच। यहाँ से हम देखें तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान
निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर और पृथ्वी की सतह से उसकी ऊंचाई पर। अब इसके आधार पर मुझे आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मान लीजिए मैंने सजाने के लिए घर में एक शोपीस लाया है और उसके लिए मैंने स्टैंड बनाया है जो कि आयताकार है। अब इस आयताकार स्टैंड की जो लंबाई थी वो 2h है और इसकी चौड़ाई h है, यानी कि जो लंबाई है इसकी चौड़ाई की दुगनी है। अब मैं इसे एक जगह पर रखना चाहती हूँ। एक बार मैंने इस आयताकार स्टैंड को इस प्रकार क्षैतिज रखा और इसके ऊपर पॉट को सजा दिया, और एक बार मैंने इसे ऊर्ध्वाधर रखा और इसके ऊपर शोपीस को सजा दिया। अब बताइए दोनों ही स्थिति में किस में इस शोपीस की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा अधिक होगी? हम सोच रहे होंगे यदि कि ये तो एक ही स्टैंड है, वही पॉट वही स्टैंड, तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में क्यों परिवर्तन हो? लेकिन गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर निर्भर करता है। यदि हम इसको क्षैतिज रखे थे तो हम देख रहे थे कि पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई h होगी, और जब इसको हम ऊर्ध्वाधर रखेंगे तो पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई 2h है। तो इस कंडीशन में जब पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई 2h है, वहां पर इस शोपीस की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा अधिक होगी पहले वाले की तुलना में। तो चलो बच्चों, इसी प्रकार हम कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पर आधारित। 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी से 8 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन करें। यहाँ g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। प्रश्न अनुसार दिया गया है वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 50 kg, विस्थापन यानी कि ऊंचाई बराबर 8 मीटर, गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के सूत्र अनुसार स्थितिज ऊर्जा होगी mgh। यहाँ सारे मान लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 50 × 9.8 × 8। इसे गुणा करने पर हमें मिलेगा 3920 जूल, और यही स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 400 जूल है तो वस्तु की पृथ्वी के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 5 kg है। विस्थापन यानी कि ऊंचाई h बराबर, यह हमें ज्ञात करना है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh बराबर होती है 400 जूल। गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब जो वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है mgh, वो 400 जूल दी गई है। हम mg का मान इस सूत्र पर रख देते हैं तो ये होगा 5 × 9.8 × h = 400, और h बराबर होगा 400/49, और सॉल्व करने पर h = 8.16 मीटर। तो वस्तु 8.16 मीटर ऊंचाई पर स्थित होगी। बच्चों, ऊर्जा संरक्षण के नियम से हमने जाना था कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। यहाँ पर हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो सकती है। या यूं कहें, किसी भी वस्तु की जब स्थिति में परिवर्तन होता है गति के साथ साथ, तो हम यूं कह सकते हैं कि उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कुल योग हमेशा नियत होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा के बराबर ही होगा। किसी स्थिति में हम देखें तो स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, कहीं देखें गतिज ऊर्जा अधिक होगी, लेकिन जब दोनों का योग करें हम तो वो एक नियत राशि ही होगी।
या यूं कहें कि कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत ही होगी। मान लीजिए हम एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाकर ऊपर ले जाते हैं h ऊंचाई तक। हम इसको पृथ्वी की सतह से उठाकर ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब जो कार्य किया गया है वो इस वस्तु में इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होगी, संचित हो जाएगी। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। तो इस पोजीशन पर, हाईएस्ट पोजीशन पर, ऊंचाई पर इस वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम होगी। ये वस्तु इस ऊंचाई पर स्थिर है, यहाँ पर इसका कोई वेग नहीं है, तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। लेकिन यदि इस वस्तु को अब छोड़ा जाए तो वस्तु अब नीचे की ओर आएगी। जब नीचे की ओर आएगी तो उसका वेग बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा मतलब उस वस्तु में अब गतिज ऊर्जा बढ़ने लगेगी। तो ये ऊर्जा कहीं से उत्पन्न नहीं होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी थी इसकी स्थितिज ऊर्जा, वही धीरे धीरे गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होगी। और जैसे ये वस्तु पृथ्वी की सतह को टच करने वाला होगा, इसका वेग अधिकतम होगा, या यूं कहें इस वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। और जैसे ही ये पृथ्वी की सतह को टच करता है, इसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जीरो हो जाएगी, और यूं कहें तो इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी शून्य हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जहाँ यह पृथ्वी की सतह को टच करने वाला है वहाँ पे इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, जिसे हम हाफ एम वी स्क्वायर से दर्शाएंगे, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। तो अब दोनों स्थितियों का कंपेयर करें, सबसे ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। जब वो नीचे आ गिरा उस समय काइनेटिक एनर्जी अधिकतम थी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, यानी कि ऊपर रखे वस्तु की जो पोटेंशियल एनर्जी थी, स्थितिज ऊर्जा थी, वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में चेंज हो गई। और किसी भी स्थिति में इनके बीच में देखें तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग नियत ही होगा, ये कुल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर ही होगा। इसे यांत्रिक एनर्जी के संरक्षण का हम लोग अनुप्रयोग खेलों में भी करते हैं। यदि आपको लंबी कूद कूदने को कहा जाए, लॉन्ग जंप, तो हम सीधे खड़े खड़े नहीं कूदते, क्योंकि यदि हम सीधे खड़े होकर कूदेंगे तो हम ज़्यादा दूर नहीं कूद पाते। तो हम क्या करते हैं, दौड़ कर आते हैं और जो लाइन रहती है वहाँ पर रुकने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम जंप लगाते हैं। तो जब हम दौड़ के आते हैं मतलब हमारा वेग बढ़ जाता है, उस समय हमारे पास होती है गतिज ऊर्जा। और जब हम उस लाइन तक पहुंचते हैं और उसके बाद कूदते हैं तो हमारी गतिज ऊर्जा हमारी स्थिति में परिवर्तन कर देती है। इसीलिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में चेंज हो जाती है और हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं, यानी अपनी स्थिति में ज़्यादा परिवर्तन कर पाते हैं। तो ज़्यादा दूर से दौड़ के आएंगे तो ज़्यादा दूर कूद पाएंगे। ऊँची कूद में भी ऐसे होता है, आप दौड़ कर आते हैं और उसके बाद आप छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। तो जब दौड़ के आते हैं तो आप अधिक ऊपर तक छलांग लगा सकते हैं। आपने देखा होगा जब कोई चोर चोरी करके भागता है तो बहुत ऊंची दीवार को भी आसानी से लांग जाता है। एक्चुअली वो जब तेजी से भागते हुए आता है तो उसमें होती है गतिज ऊर्जा, और इसीलिए उसके सामने दीवार उसके सामने मायने नहीं रख पाती और वो उस दीवार को भी छलांग लगा लेता है, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में चेंज हो जाती है। लेकिन साधारण तौर पर यदि हम ऐसी ऊंची दीवारों को देखें तो हम उसमें से छलांग लगाने की कभी भी नहीं सोचेंगे। ऐसे ही आपने देखा होगा बच्चों स्विमिंग पूल में, जब ऊपर से कोई स्विमर डाई मारता है तो आप देखेंगे वो जितनी हाइट में खड़ा रहता है उतनी ही गति करते हुए वो पानी के नीचे चला जाता है, क्योंकि यदि वो हाइट में खड़ा है मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगी, और जब वो डाई मारता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसकी गतिज ऊर्जा में काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होने लगती है, इसलिए वो उतने ही तेजी से पानी को चीरता हुआ अंदर की ओर चला जाता है। तो ऐसे ही आपके आसपास काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी के कन्वर्शन में, पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी के कन्वर्शन में ढेर सारे उदाहरण होंगे। झरने से पानी का गिरना भी तो पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में बदलना है।
इसलिए तो मैंने आपको कहा था कि झरना अगर बहुत अधिक ऊंचाई में होगा तो उसके नीचे खड़े होकर उसको एंजॉय करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी अधिक होती है जब वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, यानी कि पानी को वेग मिलता है तो उस वेग का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है जिसको हम सहन नहीं कर पाते, एंजॉय नहीं कर पाते। अब बच्चों हम कार्य से जुड़े अगले कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे जिसे हम शक्ति के नाम से जानते हैं, शक्ति जिसे इंग्लिश में हम पावर कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। जहां दर शब्द आता है इसका मतलब वहां पर समय का महत्व है। तो हम सूत्र अनुसार देखें तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और हम लिखते हैं पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। और यहां से हम शक्ति का मात्रक देखें तो कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो शक्ति का मात्रक होगा जूल प्रति सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को नया नाम दिया जाता है, इसे हम वॉट कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा यदि एक सेकेंड में एक जूल कार्य होता है तो उस वस्तु की शक्ति एक वॉट कहलाती है। बच्चों जब आप बल्ब खरीदने जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं हमें बल्ब चाहिए, तो ज़रूर वो आपसे सवाल करता होगा कितने वॉट का। कितने वॉट का मतलब वो उस बल्ब की विद्युत शक्ति के बारे में पूछना चाहता है, आपको कितनी विद्युत शक्ति वाला बल्ब चाहिए, उसका ये प्रश्न होता है। अब 20, 40, 60 जितने वॉट का मांगते हैं फिर आपको उसके आधार पर वो बल्ब लेता है। तो वॉट शब्द विद्युत शक्ति के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक्चुअली शक्ति जहाँ पर भी इस्तेमाल होगी उसके लिए हम वॉट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे बल्ब की विद्युत शक्ति कम होती है इसलिए हम वॉट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़े उपकरणों के लिए जिनकी विद्युत शक्ति अधिक होती है हम किलो वॉट का भी इस्तेमाल करते हैं। एक किलो वॉट बराबर होता है 1000 वॉट। और हैवी उपकरण यदि हम लें जो बिजली से चलते हैं, जैसे कि आप पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए टंकी तक ले जाने के लिए मोटर का इस्तेमाल करते हैं, जब आप मोटर खरीदने जाएंगे तो आप मोटर को वॉट में नहीं मांगते, उस समय आप दूसरे मात्रक का इस्तेमाल करते हैं, आप HP में मोटर को मांगते हैं। तो HP भी विद्युत शक्ति को ही बताती है। HP यानी कि हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, ये शक्ति का बड़ा मात्रक है। हम जानते हैं कि घोड़ों की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए शक्ति के बड़े मात्रक के रूप में हम अश्व शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वॉट, यानी कि ये वॉट की तुलना में एक बड़ा मात्रक है। किसी वस्तु, किसी मशीन या उपकरण द्वारा कार्य करने में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है वो निर्भर करती है उसकी शक्ति पर, और कितने देर तक उपकरण कार्य कर रहा है यानी कि समय पर। और जैसे कि हम सूत्र जानते हैं पावर बराबर होता है W अपॉन T, तो W बराबर होगा P इंटू टी, और W यानी कि कार्य, और कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऊर्जा बराबर होता है P इंटू टी। तो यहाँ से हम ऊर्जा के लिए मात्रक लिखें तो ये होगा वॉट इंटू सेकेंड। पर जब हम ऊर्जा के बड़े मात्रक की बात करें तो वॉट के स्थान पर किलो वॉट लिख देते हैं और सेकेंड के स्थान पर हम घंटे ले लेते हैं। तो ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो वॉट घंटा भी होता है। यदि यहाँ पर मैं एक ऐसा उपकरण लूँ जिसकी शक्ति 1 किलो वॉट है और वो 1 घंटे तक उपयोग में लाई जा रही है, तो उससे व्यय होने वाली ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा होगी। इस प्रकार हम 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा दे सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसी भी उपकरण से व्यय होने वाली ऊर्जा की मात्रा है जिस उपकरण की शक्ति 1 किलोवाट हो और वो 1 घंटे तक उपयोग में लाई जा सके। आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है वो
विद्युत ऊर्जा की व्यय को दर्शाता है। आपने यदि बिजली का बिल देखा होगा तो उसमें जो व्यय होता है वो यूनिट्स के रूप में दिया जाता है। कितना यूनिट आपने कंज्यूम किया, 20 यूनिट, 40 यूनिट, 200 यूनिट, जितना आपने कंज्यूम किया। तो ये जो यूनिट है ये विद्युत ऊर्जा का ही मात्रक है, और ये जो यूनिट है वो एक्चुअली किलोवाट घंटा का ही एक रूप है। एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। तो आप जब भी अपने बिजली के बिल में यूनिट देखें तो आप ये समझ जाइए कि आपने उतनी विद्युत ऊर्जा की खपत की है। अब ऊर्जा को तो हम जूल में नापते हैं, ये किलोवाट घंटा उसका नया मात्रक आ गया। ये किलोवाट घंटा एक्चुअली ऊर्जा का बड़ा मात्रक होता है। तो हम ये देखते हैं कि किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध है। हम जानते हैं जूल बराबर होता है वाट इंटू सेकेंड। अब एक किलोवाट घंटा ये कितना होगा, हम किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे। एक किलोवाट मतलब 1000 वाट, तो यहाँ पर 1000 वाट लिखेंगे। घंटे को सेकंड में चेंज करना है, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो एक घंटे में 60 × 60 सेकंड होंगे यानी कि 3600 सेकंड। तो यहाँ पे घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए हम 3600 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1000 वाट × 3600 सेकंड। अब वाट इंटू सेकेंड होता है जूल, और इसको गुणा करने से मिलेगा 3600050, यानी कि 3600000 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3600000 जूल, और हम इसे 36 × 10^5 जूल भी लिखते हैं, और दशमलव के रूप में भी इसे दर्शाया जाता है, 3.6 × 10^6 जूल। मैंने इस मान को अलग अलग रूपों में लिखा है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो इसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, वहाँ पर आप देखोगे कि 3600000 जूल कहीं नहीं लिखा रहता, ये दशमलव में लिखा जाता है या 10^10 के रूप में लिखा जाता है। इसलिए मैंने ये सारे मान बता दिए ताकि विकल्प में आप सही उत्तर को चुन सकें। तो बच्चों, इस यूनिट के फॉर्मूला के आधार पर हम एक न्यूमेरिकल प्रश्न बनाते हैं। एक महिला 300 जूल कार्य को 5 सेकंड में पूरा करती है, तो बताओ उसने कितनी शक्ति व्यय किया। इस प्रश्न अनुसार दिया गया है महिला के द्वारा किया गया कार्य W बराबर 300 जूल, कार्य करने में लगा समय T बराबर 5 सेकंड, महिला द्वारा व्यय की गई शक्ति, शक्ति का सूत्र होता है P बराबर W अपॉन T, तो हम लिखेंगे 300/5 और ये होगा 60 वाट। बच्चों, जब भी प्रश्न को हल करें तो आंकिक मान आने के बाद आप उसका मात्रक जरूर लिखें, क्योंकि प्रत्येक भौतिक राशि की एक इकाई होती है, तो हमको यहाँ पर उस भौतिक राशि की इकाई लिखना आवश्यक है। प्रश्न 2, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 30 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ियों की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन करें। यह g बराबर 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड दिया ही गया है प्रश्न में, तो हमको यही मान हल करते समय इस्तेमाल करना है। लड़के का द्रव्यमान m बराबर 50 kg है, तो mg बराबर होगा 50 × 10 = 500 kg/s². 30 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई निकालने के लिए पहले हम एक सीढ़ी की ऊंचाई निकालेंगे। एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है यानी कि 15/100 मीटर होगी, तो 30 सीढ़ियों की ऊंचाई 30 × 15/100 मीटर होगी। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 4.50 मीटर। चढ़ने में लगा समय t बराबर 10 सेकंड है, तो शक्ति के सूत्र के अनुसार p बराबर होता है किया गया कार्य अपॉन समय, तो हम लिखेंगे mgh/t। तो p बराबर होगा 500 × 4.50/10। सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा
225 वॉट। तो लड़के की शक्ति 225 वॉट है। साठ वॉट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा यूनिट का पराकलन करें। इस प्रश्न में दिया गया है विद्युत बल्ब की शक्ति 60 वॉट है, यानी कि 0.06 किलोवाट। यहाँ हमने वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट किया है। वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 1000 से भाग दिए हैं और इसीलिए इसका मान हुआ है 0.06 किलोवाट। उपयोग किया गया समय 10 घंटा। प्रश्न में दिया गया है कि इस विद्युत बल्ब को 10 घंटे तक जलाया जाता है। अतः बल्ब की खर्च की गई ऊर्जा ये होगी शक्ति इंटू लिया गया समय, तो 0.06 किलोवाट इंटू 10 घंटे, 10 घंटे 0.60 किलोवाट आवर। बच्चों इस प्रश्न में विद्युत बल्ब की शक्ति वॉट में दी गई थी, लेकिन हमने किलोवाट में क्यों कन्वर्ट किया था? क्योंकि हमको विद्युत ऊर्जा का मापन यूनिट में करना था और एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, इसलिए हमने वॉट को यहाँ पर किलोवाट में कन्वर्ट किया। अगर इसमें समय सेकंड में दिया जाता तो हम उस सेकंड को घंटों में भी कन्वर्ट करते, लेकिन इस प्रश्न में डायरेक्ट घंटों में ही दिया गया था, इसलिए हमने घंटे को सीधे गुणा कर दिया और गुणा करने पर हमें मान मिला है 0.60 यूनिट। तो बल्ब द्वारा एक दिन में 0.60 यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। ऊर्जा एनर्जी और शक्ति यानी कि पावर, ये दोनों कार्य से जुड़े हुए ही दो कॉन्सेप्ट हैं और जनरली लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इनको आपस में मिक्स कर देते हैं। अभी हमने ऊर्जा और शक्ति के ऊपर इतनी चर्चा की, अब इसके आधार पर आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मान लीजिए दो बच्चे हैं और इनको एक फिनिशिंग लाइन तक दौड़ना है, मतलब दोनों को एक फिनिशिंग लाइन को टच करने का काम दिया जा रहा है। दोनों बच्चे एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन एक बच्चा फिनिशिंग लाइन में पहले पहुंचता है और दूसरा बच्चा कुछ देर बाद। अब इस स्थिति में बताइए इन दोनों में से किसकी ऊर्जा अधिक है? यदि आप सोच रहे होंगे कि जो बच्चा पहले पहुंचा उसकी ऊर्जा अधिक है, तो आप यहां पर गलत हैं, क्योंकि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। यह दोनों बच्चों ने वो कार्य कर लिया, दोनों बच्चे ही फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गए, भले एक पहले पहुंचा एक बाद में पहुंचा, लेकिन दोनों ही उस फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गए। इसका मतलब उन दोनों बच्चों में कार्य करने की क्षमता बराबर है, इसलिए दोनों की ऊर्जा सेम होगी। अब इन दोनों में से ये बताइए किसकी शक्ति अधिक होगी। जैसे कि हम सूत्र से जानते हैं कि शक्ति समय के व्युत्क्रम अनुपाती होती है, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। इसलिए यहां पर जो बच्चा पहले पहुंचा, यानी कि उसने कम समय लिया उस कार्य को करने के लिए, तो उसकी शक्ति अधिक होगी, और दूसरे बच्चे ने उसी कार्य को करने के लिए अधिक समय लिया, तो उसकी शक्ति पहले वाले की तुलना में कम होगी। तो अब आप ऊर्जा और शक्ति में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपने इस ऊर्जा और शक्ति के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया है।